the Lord, may God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थ्य और जलाली नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेस लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत और अनुग्रहकारी दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जान बीच में अद्भुत कामों को करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आज भी हमारे बीच में असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, और चाहते हैं परमेश्वर कि आज का हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च का ये पूरा सेशन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों के मन को छेदने पाए मेरे परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं आज हम आपके लिए बचाने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना आपको ग्रहण हो परमेश्वर। होने दे मेरे प्रभु, देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए, हर एक जन इस बात को समझने पाए कि आप अद्भुत चट्टान हैं परमेश्वर, और जो आपकी शरण में आया प्रभु उसका मुख कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर, देखने वाले हर एक जन को आप अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपके इस गहरे वचन को हर एक समझने पाए और आपके स्वभाव को अपनाने पाए मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर गौरव और जलाल देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। से ऊपर राजा विराज, सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, सृष्टि से पहले करा रहा हूं। 2000 वर्ष पहले
जो कि पिता ने अपना पुत्र दे दिया और इस धरती पे इसलिए दे दिया, मरने के लिए भेज दिया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए। बस उस सात कल में मैं जाना चाह रहा हूँ, जब आप एक दूसरे से हाथ मिला के करें हालेलुया, एक कम 40 घोड़े खाए, जब वो चाबू वो हंटर मारा जा रहा था तो मांस के निकल रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक पाप जो हमने किया, हमने जो गुनाह किए उसकी सजा मेरा निर्दोष मेमना यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और उस क्रॉस पे से वो जो वर्ड बोला पहला वर्ड, और वो इस प्रकार से था, पहला कलमा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग 40 दिन में बड़े फास्ट रख रहे हैं कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। अगर पाप करना छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता, इसका उपवास कर लेते। गाली देना, झगड़ा करना, गंदे काम करना, निंदा करना, लुचपन करने का उपवास कर ले तो ज्यादा अच्छा होता। रोज दुआ करते, ए बाप हमारे गुनाह को, जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू हमारे अपराध को क्षमा करना। कैसे होंगे क्षमा, क्योंकि आप तो क्षमा करते ही नहीं है कि पहले ये माफी मांगे, ये छोटा बने वो बड़ा बने, पाप 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 कह रहे हैं, और ये यीशु मसीह कह रहा है बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मैं आज के इस लम्हे में बताना चाहता हूँ, बात क्षमा की हो रही है। पति पत्नी का झगड़ा 7 साल से घर में पड़े, 6-6 महीने से कोर्ट में चक्कर है, लेकिन एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे। नाम ओ बड़े बड़े मसीह नाम रखा हुए, कोई पीटर, कोई थॉमस, कोई नैंसी, कोई क्या क्या अच्छे अच्छे नाम है। मैं कहना चाहता हूँ कि मसीह नाम रखने से मसीह नहीं हो जाते, लेकिन मसीह आपके अंदर जीवित दिखना चाहिए, क्योंकि आपके गुनाहों के लिए यीशु मसीह क्रॉस पे मर गया, चढ़ गया कि आपका नजात हो जाए। लेकिन आप तो अपने गुनाहों से बार बार बल्लम ठोक रहे, बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे। क्या यीशु मसीह दोबारा क्रूस पे चढ़ने के लिए आया? और बड़ा अच्छा व्याख्यान करते हैं कि यीशु मसीह ने बोला कि बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ स्तुभनुस को याद कर लीजिए, उसकी जिंदगी को याद कर लीजिए, जब वो प्रचार कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों ने उसको जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके एक मैदान में ले गए और मैदान में जाके पथरवा किया। उसने आकाश की तरफ देखा तो आकाश खुला हुआ, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए, उसने कहा बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, और उसके बाद मर गया क्योंकि लोगों ने पथरवा किया। क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी को माफ किया है? एक बार बड़ा अच्छा एक प्रोवर्ब्स में से पढ़ता है, मिसेस प्रियंका ने, जिसके गुनाह माफ किए जाएं, जिसके पाप ढाप दिए जाएं, धन्य है वो। मैं कहना चाहता हूँ गुनाह उसी के माफ होंगे जो दूसरों के गुनाह माफ करता है, जो दूसरों के पाप ढापता है, बेइज्जत नहीं करता, उसका पर्दा नहीं उठाता, उसके पाप ढापे जाएंगे। हालेलुया, ए बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए कि यूसुफ, जिसके भाइयों ने अभी बड़ा अच्छा बताया था कि गड्ढे में डाल दिया, फिर उसके बाद जेल खाने में चला गया, पोतीबर के घर में बहुत सारे उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए, और जब उसके भाई बुजुर्ग अवस्था में मिले तो उसने भाइयों से बदला नहीं लिया, जिन भाइयों ने बेचा था, जिन भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, उन्हें उसे माफ कर दिया। आप अपने भाई को माफ कर रहे, आप अपनी बहन को माफ कर रहे, अपने रिश्तेदारों को माफ कर रहे, अपने पड़ोसी को माफ कर रहे। सबसे बड़ी चीज यीशु मसीह जो हमें दे के गया है, उस क्रॉस पर जब आया था उसने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और तीसरी आज्ञा मैं बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह एक आइडियल एक आदर्श हमें दे के गया, माफ करो। यदि तुम माफ करोगे तुम्हारे भी गुनाह माफ किए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कलमा बड़ा अच्छा लग रहा, पढ़ दे जो कि ल्यूक 23 का, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मुझे एक बहुत अच्छे पासवान है, वो कहने लगे वो हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें जब काम पड़ेगा हमें जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके संग जाएंगे। एक आंटी मुझे बोली कोई बात नहीं बेटा तुम तो पादरी हो माफ कर दिया करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर यीशु मसीह ने वो दो डाकू लटके थे, एक राइट एंड लेफ्ट, अदिति सुन रही है, एक ने बोला निंदा की तू अगर मसीह है तो अपने को बचा और हमें भी बचा ले,
लेकिन दूसरे ने कहा हम तो अपने किए हुए की सजा भुगत रहे हैं और हमने तो जो किया उसकी सजा सही मिल रही है। ये तो निर्दोष मेमना है, ये तो सबके पापों को ठग लेके जा रहा है, ये तो बिल्कुल राजा को राजा महाराजा है, और तू जो कह रहा वो गलत कर रहा है, चुप हो जा, उसे डांट रहा है। और परमेश्वर से कह रहा है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज ही मेरे साथ मेरे परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर है। संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर सिर्फ यीशु राजा है जो मनुष्य के रूप में आया और राजा को राजा महाराजा जाके विराजमान गद्दी पे हो गया, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा। उसने ये अधिकार रखा है कि स्वर्ग देने का, दूसरे को लेके नहीं गया। मेरा अजीज इसीलिए लिखा है जिनसे अलग रहना, ऐसे लोगों से अलग रहना जो अनुचित कार्य करते हैं, अनुचित चाल चलते हैं, उनसे अलग रहना, परे रहना। क्यों? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? जो आज्ञाकारी है। नामधारी नहीं जाएंगे? बहुत सारे नामधारी आज बैठे हुए चर्च के अंदर, इधर उधर बैठे हैं, बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी को माफ नहीं करते। और यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे काम तो वही है जो संसारिक काम है, जो शैतान के काम है। यीशु मसीह उसी को लेके जाता है जिसने मन फिराया और यीशु मसीह की आज्ञा को माना है, मन फिरा के यीशु मसीह के नाम का अपने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, वही जाएगा स्वर्ग। मेरे अजीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया क्या उस डाकू ने बपतिस्मा लिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि रोमी सरकार, आज तक ऐसी पुलिस पैदा नहीं हुई जैसी रोमी सरकार थी और उसके सामने उतर के क्या बपतिस्मा होता। लेकिन मेरा यीशु मसीह राजा को राजा है, वो जिसके पाप क्षमा कर दे क्षमा हो जाएंगे, जिसका रखेगा तो रखा जाएगा। और इसने उसने अधिकार दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं तीसरे कलमे में बहुत जल्दी से जा रहा हूँ क्योंकि थर्ड कलमा इतना बड़ा है। नारी देख, देख ये तेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र, और उस पुत्र का देख ये तेरी माँ है। मैं कहना चाहता हूँ बात नारी की हो रही है और नारी वर्ड परमेश्वर ने दूसरी बार इस्तेमाल किया है। इससे पहले योहन्ना दो बाप उसकी काना के नगर में उससे कहता है महिला मुझे तुझसे क्या काम, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा कहते हुए नारी की बात जब आ रही है जो कि प्रोवर्स 23 और उसकी 22 में लिखा हुआ है। जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जाना। बात नारी की हो रही है और परमेश्वर नारी का उद्धार करने आया। आज नारी कंधा से कंधा मिला के चल रही है, आज नारी जहाज उड़ा रही है, आज नारी का सम्मान है। मेरा ईमान नारी का सम्मान क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात नारी की हो रही है और यीशु मसीह एक आइडियल एक आदर्श हमारे और आपके लिए छोड़ के गया क्रूस पे से। क्या क्रूस पे छोड़ के गया? अपनी माँ की इज्जत करना, अगर वो बूढ़ी भी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। यीशु मसीह 33.5 वर्ष के थे तो माँ तो बूढ़ी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ नारी का सम्मान करना। और यीशु मसीह ने कुआरी कन्या से पैदा हुआ, मैं बताना चाहता हूँ पुराने जमाने में नारी की कोई इज्जत नहीं थी, पैर की जूती की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आज नारी अधिकारी है, प्रधानमंत्री बनी है, हम जहाज चला रही है, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर है। मैं बताना चाहता नारी का उद्धार यीशु मसीह ने किया और पहला सुसमाचार यीशु जी उठाए वो भी नारी ने किया। नारी मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको आज सिखा रहा कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र जिससे वो प्रेम रखता था। वो चेला वहां खड़ा था, उस चेले से कहा कि ये आज से तेरी माँ, उस नारी से कहा देख ये तेरा पुत्र। वो उसी घड़ी अपने घर लेके गया और उस कर्तव्य को निभाया। मैं जल्दी से आगे कलमे पे चलूंगा जो कि चौथा कलमा होगा उस 15 बाप उसकी 33-34 पैर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया। हाँ। और तीसरे पहर तक रहा। हाँ। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई इलोई लमा शब्दकनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा के संग बड़ी घटना घटी जब वो 6 लाख लोगों को लेकर चला और परमेश्वर उसके साथ रहता था, बादलों में होकर खंबे में उतर कर धुएं के खंबे में उतर कर उससे बात करता था। पानी की घटी हो गई, कहीं खाने की घटी हो गई, लोग मरमनी करते थे, कुड़कुड़ाते थे। और इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 लाख लोग
उस दूध बेतिन नगर में और मधु के नगर में नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनादर किया, आज्ञा को नहीं माना और अपने लिए अलग अलग तरीके से आइडियल वर्शिप करने लगे। मैं अब बताना चाहता हूं, और जब मूसा रोता था परमेश्वर के सामने, गड़गड़ाता था, देखिए मुझे मारे डाल रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और वो कहते थे कि तू हमें यह क्या मरने के लिए लिया है, हम तो हमारे मिस्र में ही ठीक थे। मैं कहना चाहता हूं, तो वो कहता था, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? वो खंभे में उतर के आ जाता था, बादलों में होकर आ जाता था, और उसे बताता था अपने इस लाठी को इस पर्वत पे मार, पानी मिलेगा, लाल समुद्र मार, दो भाग हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने ना कभी छोड़ा है ना कभी त्यागा है। उसने कहा मैं तेरे संग रहता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता को याद कर रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? बेटा पुत्र को पिता कभी नहीं छोड़ता। जिस्मानी बाप से गलकर कोई बेटा मछली मांगे तो सांप नहीं देता, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया है? उसने तुरंत एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसकी सेवा टहल करने लगा, उसको सामर्थ्य देने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर ने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तू नदी में से होकर जाए, तुम नदी तुझे डुबा नहीं सकती, तू आग में होकर चले तो वो आग तुझे जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तुझे दाहिने दर में हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। छोड़ता कौन है पता आपको? हम और आप छोड़ देते हैं। कैसे? जब बीमारी आ गई, हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। जब हम ढूंढने लगे, ईएमआई नहीं जा रही, नौकरी छूट गई, हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। जब तक पैसा था तो मॉल, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, और जब परेशानी आती है तो परमेश्वर को याद करते। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। उसने तो 3.5 वर्ष दिन और रात चल चल कर प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मन फिराने का समय नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, मोबाइल देखने के लिए समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब चीज के लिए समय है, लेकिन खुदा बाप के लिए आपके पास समय नहीं है। और जब मुसीबत में आ जाते हैं, बच्चे अनादर करते हैं, जॉब नहीं चल रही है, बिजनेस ठप हो जाए, जीवन में गड़बड़ी आ जाए, घर में झगड़े हो जाए पति पत्नी का, तो कहते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरी मदद कर। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को तो पिता ने भेजा ही था मरने के लिए, हमारे और आपके लिए, कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं। हम जल्दी से एक चलेंगे, 5वां कलम, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर है। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, एक इंसान है, और जब वो गलील से होकर जा रहा, इस गर्मी में अगर आप 1 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे तो सबसे पहले क्या मांगेंगे? पानी मांगेंगे, नेचुरल सी बात है, पानी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान का ऊंट ज्यादा समझदार है। आज विश्वासी कमजोर हो गया है और उसको संसारिक प्यास में मरा जा रहा है। एक बेटा भागता हुआ आया घर में और करा, अरे मम्मी भाग के पानी ला रही है, कोल्ड ड्रिंक ला रही है, ले बेटा ले, तू प्यासा हो गया, कहां से भागता हो, इतना पसीने, कैसे पसीने? मम्मी ने पूछा क्या हो गया बेटा, तू क्या पानी तो भी, अरे आपको नहीं पता मेरा नेट खत्म हो गया। उसे प्यास है तो नेट की खत्म हो गई है। बोले क्यों? तो नेट खत्म हो गया तो इतना तू क्यों तड़प रहा है, क्या कैसी प्यास है ये? बोले 10,000 ट्रांसफर किए थे, ओटीपी आया था, वो होते नहीं पता नहीं पाया, नेट चला गया। रिचार्ज कर दो मेरा फोन, है ना रिंकी, इसकी प्यास लगी हुई है, मेरा फोन रिचार्ज कर दो। हालेलुया। प्यास लगी है रिचार्ज करने की, प्यास लगी फोन खरीदने की, प्यास लगी लूटने की, प्यास लगी गाली देने की। अगर किसी को प्यास होती, वो वाली प्यास जो अमोस ने लिखी कि लोग मारे मारे फिरेंगे पूरब से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम तक, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचन सुनाने वालों के लिए लोग किराए पे बुलाएंगे, पैसा दे दे के, जिन्हें वचन याद होगा वही जीवित रहेगा, वचन लोप हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्यास बड़ी अच्छा वचन है, प्यास का। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। कैसा प्यासा है? वो क्रॉस पे से बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं प्यासा हूं? मैं बताना चाहता हूँ, 3.5 वर्ष काम किया, दौड़ भाग, दिन और रात
आप तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने कपड़ों के लिए, मॉल जाने के लिए, मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन यीशु मसीह तो इसलिए प्यासा था कि आत्माएं बचाने के लिए, आत्मिक प्यास थी उसको कि आत्मा बच जाए, लोग मन फिराए और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। प्यास थी, प्यास है अभी भी प्यास नहीं बुझी है, इसलिए उसने हमें और आपको इस धरती पर रखा है कि हम मन फिराए और बपतिस्मा ले और यीशु मसीह की प्यास को बुझा दें और वो काम करें जिससे यीशु मसीह को दोबारा प्यास ना लगे। हालेलुया। हमें तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है भाई, बड़े भागते भागते आते हैं, रात को बोलते छोटी सी प्रार्थना कर लो सो जाओ, और सकता वो भी नहीं करते। हमारे पास घूमने का समय है, पिकनिक जाने का समय है, मॉल जाने का समय है, लेकिन प्रभु के पास आने का समय नहीं है। वो कह रहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेहत में पिलाऊंगा और तुम्हारे अंदर से एक नदियां बहेंगी, हृदय के जल की नदियां बहेंगी। उस नारी से एक अच्छी बात कही थी प्रभु यीशु मसीह ने, जरा मेरे लिए पढ़ दे एक वर्ड, जॉन 4:4 और उसकी 13 और 14 आई, मैं प्यासा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह एक एक आत्मा के लिए प्यासा है। आपका घर, आपका परिवार यदि अभी विश्वास में नहीं है तो आज जाके वचन सुनाएगा और यीशु मसीह की प्यास बुझ जाएगी। उसको बताएगा यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वही प्यासा है कि आपको चंगा कर दे। हाँ, 4:13-14 यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा परंतु जो कोई जल में से पिएगा उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा फिर वे अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं वो वाला प्यास बुझाना? तो यीशु मसीह के पास आ जाइए, यीशु मसीह आपको अनंत काल का प्यास बुझाने के लिए तैयार है। जरूरत है कि यीशु मसीह के वचन को स्मरण करें और उस क्रॉस पे जो यीशु मसीह ने अपना कलमा बोला 5वां, मैं प्यासा हूँ, आज भी वो आपको, आपके परिवार को, आपके घर को बचाने के लिए प्यासा है। बताना चाहता हूँ कि हम 6 कलमा में जाएंगे, पूरा हुआ 5:5 उसकी 17 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर यीशु मसीह नहीं आता तो ओल्ड टेस्टमेंट होता। कौन सा टेस्टमेंट होता लकी भाई? पुराना नियम होता खाली, और पुराना नियम में इतनी गड़बड़ी है कि आपका उद्धार ही नहीं होता, क्योंकि पुराने नियम में जितने हीरो आए उनका उद्धार ही नहीं हुआ। ये ना समझो कि ये व्यवस्था ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आए। आज पुराने नियम में लोग दीवाने हो रखे। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, पुराना नियम नेगेटिव जिसमें से फोटो होती है वो पॉजिटिव होती है। नए नियम में जब तक आप नया नियम नहीं पढ़ेंगे आपका उद्धार हो नहीं सकता। उद्धार करता एक ही नाम, आला नाम, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, यीशु नाम। देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। पीछे कितनी पुस्तकें? भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें। मैं उन्हें लोप करने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया परंतु पूरा करने आया। सब बोल दीजिए पूरा हुआ। मेरे से जब भी कोई मांगता है पूरी बाइबिल दे देना। मैंने कहा तो भैया नहीं, मेरे पास न्यू टेस्टमेंट है, आधी है। जब यीशु मसीह आया था वो वाली पहले पढ़ लो, तब उसके बाद पुराना नियम पढ़ना तो समझ में आ जाएगी। वो जिसको पूछो पुराना नियम पढ़ रहा उलझा हुआ, उसका उद्धार ही नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ मत्ती, मरकुस, लूका, योना पढ़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। 4 पुस्तक only 4 पुस्तक। और यीशु मसीह कह रहा है मैं कंडम करने नहीं आया, खत्म करने नहीं आया, पूरा करने आया। मुझे अच्छा लग रहा है, एक वर्ड मुझे पढ़ दीजिए, योना की पुस्तक 17:3-4 में लिखा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, उसने कहा नहीं, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करो। पुराने जमाने में 1, 2, 3 जितनी शादी करना कर लो। यीशु मसीह ने कहा जिसे परमेश्वर ने चुना उसे कोई अलग ना करे, ये एक ही है। और इसलिए जो पुराना नियम पढ़ता है वो उलझा रहता है और सब उल्टे काम करता है। न्यू टेस्टमेंट में आ जाइए, सुधार हो जाएगा। यीशु मसीह ने पूरा काम किया के जो कमियां रह गई थी, इसलिए यीशु मसीह को इस धरती भेजा कि पूरा हुआ। उद्धार करने के लिए भेजा था यीशु मसीह को इस धरती पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लटक रहे हैं अधोलोक में। यीशु मसीह आज जो आप गुड फ्राइडे मना रहे हैं, 3 दिन धरती के नीचे युद्ध कराए, युद्ध, और उनको जो यीशु मसीह के लोग थे छुड़ा कर लेके गया अधोलोक से। हालेलुया। हाँ, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है अपने पुत्र की महिमा कि पुत्र भी तेरी महिमा करे क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार, सब प्राणियों पे, एक दो नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हर एक प्राणी पर तूने अधिकार दिया है। हाँ,
जिन्हें तूने उसको दे दिया है, जिन जितने तूने उसको दिए थे प्रभु यीशु मसीह को, वे अनंत जीवन दे, उन सबको वो अनंत जीवन दे जो यीशु मसीह के पास यहाँ बैठा है और जो यीशु मसीह के चरणों बैठा है, जिन्होंने मन फिराया उनका अनंत जीवन अवश्य 100% है। हाँ, और अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये बोल दे, कोई मुंह से बोल दे, अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है। हाँ, क्या कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर, मात्र सच बोलिए, एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जिसे जाने, तुझे जाने, यीशु मसीह को जाने। हाँ, जो कार्य तूने, जो कार्य बोलते रहिए, जो कार्य तूने मुझे करने को, तूने मुझे करने को दिए थे, उसे पूरा करके, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की, पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। लास्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे यीशु मसीह को पहले भविष्यवाणी की थी, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे मुर्दों में से जी उठूंगा। उसको जीवन देने की भी और जीवन लेने की भी अधिकार है। हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब ये जोर से चिल्ला कर कहा, बड़े ऊंचे शब्द से, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्ला कर प्राण छोड़े। चिल्ला कर, मैं सोचता हूं जब चिल्लाए कैसे चिल्लाएंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और प्राण छोड़ दिए। उसी समय एक बड़ी घटना घटी, पर्दा बीच से फट गया है मंदिर का, पहाड़ तड़क गए हैं, अंधियारा हो गया है, भूकंप आ गया, कब्रें खुल गई, और पवित्र मुर्दे जो शव थे वो जीवित होकर नगरों में गए। तब सुबेदार मेजर ने कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, जरूरी अवश्य परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पर्दा मंदिर का फट गया और परमेश्वर को हम आमने सामने देख सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस सातवां कलमा बोलकर अपने प्राण त्याग दिए आपके और मेरे लिए। इस बात में आज गुड फ्राइडे जो माना जाता है, अगर ये घटना ना होती, 1:40 कोड़े नहीं खाए होते, लहू लुहान नहीं होते, मुंह पे थूका गया, गाली दी गई, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, हाथ में कीलें ठोकी गई, लहू लुहान, सर पे कांटों का ताज है, दो डाकुओं के बीच में टंगो हुआ यीशु मसीह, और अपना प्राण त्याग दिया। आज उसकी कुर्बानी यह है कि आज पूरा वर्ल्ड यीशु मसीह को मानता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जवान कहेगी यीशु ही प्रभु है, उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा, और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे और आपके लिए अपनी जान दे दी। कोई जान देगा किसी के लिए? लेकिन एक है जो इस धरती पर आया 2000 वर्ष पहले, उसका नाम यीशु मसीह है, और उसने आपके और हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। जो निर्दोष मेमना है, जिसने निष्पाप है, कोई पाप नहीं किया, अपने पिता की आज्ञा में रहा, अपने लोगों को, अंधे को आंखें दी, मुर्दे को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, यहां तक कि कैसी भी दुष्ट आत्मा थी उसको निकाल दिया, वो आज क्रूस पर अपना प्राण छोड़ दिया आपके लिए, ताकि आप इस बात को स्मरण करें, अपने पापों को मान लें और छोड़ दें, ताकि दोबारा आप पापी ना ठहरे। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जीवित मनुष्य पश्चाताप कर सकता है, मन फिरा सकता है, मृतक नहीं फिरा सकते। यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, और यीशु मसीह जब आएगा तो अपने साथ जो यीशु मसीह में है उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह में सो गए वो उनके साथ आएंगे, और जो बचे रहेंगे वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।